हाय दोस्तों, सो दोस्तों इंस्टाग्राम ने निकाला है अभी कुछ टाइम पहले 2023 में एक न्यू अपडेट, जिस अपडेट का क्या बेनिफिट है, उससे आपको कैसे यूज करना है, उससे आपको क्या फायदा होगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो इसके लिए गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक कॉन्टैक्ट को ले लेना है। ठीक है, मैंने इस वाले कॉन्टैक्ट को ले लिया। अब आपको इसकी प्रोफाइल पर क्लिक करना है एंड आपको नीचे इसकी प्रोफाइल पर चले जाना है। जैसे आप इसकी प्रोफाइल इस टाइप के ऑप्शन पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी कोई भी रील्स या कोई भी एक पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर थ्री बिंदु का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको ऊपर वाली इस थ्री बिंदु पर क्लिक करना है। जैसे आप इस थ्री बिंदु पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा QR कोड, तो आपको सिंपली QR कोड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने QR कोड इस टाइप से आ जाएगा। तो इसका कलर भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए, वरना आपको क्या करना है, आपको कर देना है सेव QR कोड। तो जैसे आप सेव QR कोड पर क्लिक करोगे तो ये वाला QR कोड यहां पर सेव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने यहां पर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको थ्री लाइन पर ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर आपके QR कोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो आपको QR कोड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये रहा आपका QR कोड। सो आपको कोने में स्कैनिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर जाना है। एंड इस पर जाने के बाद आपको क्या करना है गाइस, जो आपका वो QR कोड था, आपको कोने से जो आपने अभी डाउनलोड किया था, वो आपको QR कोड यहाँ पर ले लेना है। व्यू एंड इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसी की यहाँ पर स्टोरी कर देगा ओपन। जिस स्टोरी का आपने QR कोड यहाँ पर डाउनलोड किया था, वो स्टोरी ऑटोमेटिकली जैसे आप स्कैन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी। सो आज की इस वीडियो में आपको यही अपडेट बताने वाला था, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।